ये मैंने कहा था मंगेश और बलराम गायकवाड़ के पास पेशेंस कितने हैं, वो पेशेंस आपके पास है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। इतने पेशेंस मैंने खुद में भी नहीं देखे। आदमी सहन कर तो कितना करे, सुशील देसाई सहन करने की भी हद होती है। देखिए ये जो दिनेश है ना, धोनी की तरह खेलते हैं। 183 रनों की पारी धोनी ने जिस तरह से खेली थी वन डाउन में आगे, उसी तरह ये खिलाड़ी है। हर गेंद के ऊपर प्रहार, नंबर आया 6, टोटल बना 10 दो गेंदों की समाप्ति के ऊपर। इनको अगर आप राहुल द्रविड़ की विवेश लक्ष्मण की तरह डिफेंस करना बोलोगे तो ये नहीं कर सकते। इनको कहिए आप वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलो, मार्क बाउचर की तरह खेलो, एडम गिलक्रिस्ट की तरह खेलो, ये खेल सकते हैं। मैथ्यू हेडन की तरह खेलो, ये खेल सकते हैं। इनको अगर आप कहेंगे मिडिल ऑर्डर में खेलो या फिर आप वीवीएस की तरह खेलो, जो रूट की तरह खेलो, ये नहीं खेल सकते। इनका मैथमेटिक्स ये है, गेंद आए तो उसे बाउंड्री पार लेकर ही जाना है। ये मैथमेटिक्स है इस खिलाड़ी का, दिनेश का, और उसी हिसाब से इनकी बल्लेबाजी हो रही है। ये अगर पूरा 4 ओवर खेलते ना, पूरा 4 ओवर, तो इस टीम का टोटल होगा जो बल्लेबाजी कर रही है पार्थ 11, 80, तकरीबन 80 रन होंगे मेरे ख्याल से, पूरा 4 ओवर अगर दिनेश खेलते हैं तो। क्योंकि इनकी बैटिंग अप्रोच ही वीरेंद्र सहवाग की तरह है। ये देखिए, ये आया नंबर 6, 16 पर आता हुआ टोटल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जो अप्रोच है उस खिलाड़ी का वही इस्तेमाल होना चाहिए। 39 रनों का मैच जीता जितेंद्र रवि की टीम में, मैं भी सपने में था और सदमे में भी था कि किस तरह गेंदबाजों ने ये कारनामा किया। सुशील देसाई देखिए, एक मैच एक नो बॉल की वजह से टेंशन में आ चुके हैं। क्रिकेट है भाई, वो छक्का नहीं जाना चाहिए तो नो बॉल के ऊपर। लेकिन ये देखिए दिनेश की बहुत ही बेहतरीन पारी, 3 गेंदों में 16 रन। अप्रोच ही काफी बढ़िया है इनका, आक्रमण और आक्रमण और आक्रमण। और ये देखिए फाइनल बाउंड्री के बाहर, ये 4 रन आते हुए 20। मैंने इसीलिए कहा था ये अगर पूरा 4 ओवर खेलते तो टारगेट होगा पार्थ 11 की तरफ से तकरीबन 80 के करीब जाएगी है, 70+ तो यकीनन होगी। और ये पूरा 4 ओवर इसी अप्रोच से खेलते हैं तो एसपीएल का शायद पहला 50 तो नहीं, लेकिन दूसरा 50 देखने का हमें मौका मिलेगा। क्योंकि राजा ने कल बैंड बाजा बजाया था, 67 रनों की एक शानदार पारी, 70 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। ये 1 रन जरूर पूरा किया गया। दिनेश देखिए दौड़ रहे अपने वजन को लेकर, 80 केजी, 80 केजी को लेकर दौड़ रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। और अभी अभी डॉक्टर के पास गए थे वो वजन चेक करने के लिए, तो 6 केजी मैंने गलत बताया, 86। ये 22 का रन आ चुका है, बल्ले से आया क्या अंपायर, बल्ले से तो क्या छोड़ा गया, ये आउटस्टंप के काफी बाहर। बाउ टोमरे सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। सुधाकर प्रीमियर लीग, यहाँ से आप अपने अच्छे खिलाड़ियों को खोज सकते हैं। सुधाकर तहसील के क्रिकेट की कायनात में कितने कोहिनूर छुपे हुए हैं, इसकी खोज यही है। ये देखिए, ये नहीं हो सकता क्रिकेट में, आप ना गेंद के लाइन में आ रहे हैं ना गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर है, दिनेश अवास्कर जब तक ये मैदान पर है, पार्थ 11 अपना निशाना जरूर लगाएगी रनों के ऊपर। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत की संस्कृति है महाभारत, और पानी में देखते हुए तैरती मछली का निशाना लगाया था पार्थ यानी कि अर्जुन ने ऊपर, उसी तरह ये निशाना लगा सकते हैं पार्थ 11 की तरफ से दिनेश अवास्कर।
हाँ जरा आमच्या समोर जो टेंट आहे ना, दोन प्रेक्षक बघा पडद्यावर बसलेत सीमारेषेच्या, जरा मागे वा, जरा मागे वा, दोघेच आहेत बघा, आणि दोघांचं टी शर्ट आणि शर्टाचा कलर एकच आहे, एकाने रुमाल आहे, पाठीमागे बसा, जरा सहकार्य करा, जरा सहकार्य करा, एक गेलाय पाठीमागे, दुसरा गेला तर आणखीन बरं होईल, हा दुसराही गेला, धन्यवाद. समीर जी पंगारे साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उमरे ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जिन्होंने सुधाकर तहसील की टीम अंकित जी साखरे जैसी बड़ी प्रतियोगिता में उतारा था. और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, आने वाली रायगढ़ प्रीमियर लीग में आप एक पैकर बनकर उभरे, यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा. एक ही पैकर बनकर उभरे, भागीदारी नहीं होनी चाहिए, भागीदारी में मजा नहीं. भारत इलेवन के पैकर है, देखिए दिनेश जब तक क्रीज पर है 70 का सपना 80 का सपना देख सकती है पार्थ इलेवन. ये देखिए इनका खेल ही ऐसा है, इनको कहेंगे आप डिफेंस करो ये नहीं कर सकते, नंबर आए अच्छे, ये दूसरा 50 लगा सकते हैं एसपीएल का, और ये अगर 50 लगाते हैं ना तो पांगारे साहब की तरफ से इनको 2000 मिलेंगे, लगाते हैं तो, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा दूसरा 50 लगाने का एसपीएल में. छक्कों की 50 लगाने दीजिए, 50 में आपकी टीम अच्छी होगी, छक्कों की हैट्रिक लगाने की कोशिश में आउट हो सकता है, जरा दिमाग से भी सोचिए. जिस तरह क्रिकेट में सोचते संजय सोलंकी, बगैर स्टार लिए उन्होंने आरपीएल जीती, ये क्यों जीता? सोच की वजह से. इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, मुझे उस लक्ष्य तक जाना है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं. प्रसाद छिड़की की टीम कौन सी है? फील्डिंग वाली टीम, और उसी वजह से अपने बाल नोच रहे हैं वो कि कब आउट होंगे दिनेश गावस्कर और कब मैं हंसी के ठहाके लगाऊंगा. ये शायद कैच हो सकता है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक आसान सा कैच, और इसी के साथ आउट हुए बल्लेबाज ऋतिक नखाते, डक पे आउट हुए थे ऋतिक नखाते, देखिए डक पे आउट हुए हैं. शिवा दलवी ने उनको अपना बल्ला नहीं दिया, पिछले मैच में वो शिवा दलवी से कह रहे थे कि आपका बल्ला मुझे चाहिए, लेकिन नहीं दिया. जब शिवा दलवी से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि स्थानीय लेवल पर ये किसी और की टीम से खेलते हैं और मेरा बल्ला मांगते हैं, मैं क्यों दूं. शायद ये वही खिलाड़ी है ऋतिक, लेकिन ऐसा होता है एसपीएल है, ये दांव पेच होते हैं. ये अभी आपका ही बल्ला खेल रहा था, इन्होंने गलती की आपसे बल्ला मांग के, डक पे आउट हुए. लेकिन देखिए जब तक दिनेश गावस्कर है 70 का सपना, ये टीम 80 का सपना. ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इन्होंने अब तक सिंगल दो बार ही निकाला, सिंगल या डबल दो ही बार निकाला, बाउंड्री और छेद की बात कर रहे हैं. और उस वजह से प्रसाद शेड़गी की जो टीम है, जिस टीम के प्रसाद शेड़गी ओनर है कानेश्वर फाइटर, प्रसाद शेड़गी को ओनर अपने बाल नोचने पर मजबूर हो चुके हैं इस दिनेश गावस्कर की वजह से. गेंद दीजिए गेंद, वहां पे हमारे जब खिलाड़ी होंगे, वॉलेंटियर्स होंगे, दर्शक होंगे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि गेंद ये आउट ऑफ द पार्क नहीं गई है, आप दे सकते हैं क्योंकि बाउंड्री के लिए ट्रैवल हुई थी. दिनेश गावस्कर खेले अपने निजी 32 के योगदान पर. देखिए ड्रीम्स क्रिकेट जो लाइव चल रहा है, उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन ने उनका उनसे मुझसे बात की कि 32 रनों पर खेल रहे हैं. और ये ऑन साइड के ऊपर बहुत ही बढ़िया टीम फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन 36 के निजी योगदान पर दिनेश की बढ़िया पारी. और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ दिनेश 36 पर पहुंच चुके हैं और उनकी टीम पहुंच चुकी है 37, यानी कि एक ही रन
व्हाइट बॉल के जरिए बनाया गया। और ये देखिए फिर से एक बार डी बैकवर्ड और कवर एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच के निकाल बीच से निकाला हुआ इस गेंद को छक्का दिनेश गावस्कर। मैंने पहले कहा था ये जब तक खेलेंगे 80-70 का सपना देख सकती है टीम पार्थ 11 जो पांगारी साहब की है, जिन्होंने सुधागढ़ तहसील की टीम को उतारा था और उन्होंने वादा किया है सुधागढ़ तहसील की टीम को जब जब तहसील वाइज प्रतियोगिता खेलने का मौका मिलेगा उन्हें वो मौका जरूर देंगे। पनवेल में भी देंगे, रायगढ़ में देंगे, पूरे रायगढ़ में देंगे, उनके पास वो क्षमता है। लेकिन शिवा दलवी टीम सिलेक्ट करते हुए 11 में से मुझे 9 खिलाड़ी पल्ली के नजर आए, 11 खिलाड़ी सुधागढ़ तहसील के नजर आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना जितेंद्र दलवी जैसे खिलाड़ी, शेखर दलवी जैसे खिलाड़ी, राजा जैसे खिलाड़ी अगर आपकी टीम में ना हो तो वो टीम प्रोफेशनल नजर नहीं आएगी। टीम का प्रोफेशनलिज्म भी होना जरूरी है। गेंदबाज प्रफुल पालवे, लेकिन बल्लेबाजों ने सीखा नहीं है कुछ पार्थ 11 के। दिनेश इतना अच्छा खेल रहे हैं भाई, स्ट्राइक को रोटेट करो, ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दिनेश को दो, रन को बढ़ाओ, लंबे लंबे 6 बाउंड्रीज वो लगा रहे हैं उन्हें मौका दो। ये सीधा सा गणित है, ये यंगस्टर्स के दिमाग में घुसता ही नहीं, क्रिकेट का ये सीधा सा गणित है। और ये आसान सा कैच, दो गेंदे खराब की इस बल्लेबाज अमोल ने, दो डॉट गेंदे, एक डॉट खेली और दूसरे के ऊपर अपना विकेट खोया। लेकिन ये गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है प्रफुल पालवे। देखिए अपने संजय सोलंकी के दिमाग की मैं इसलिए तारीफ करता हूं हमेशा, अंगद जैसे गेंदबाज के खिलाफ उन्हें पता था वो छक्का नहीं मार सकते, उन्होंने थर्ड मैन में 2 बाउंड्रीज लगाई, मैच को चलने दिया और उस वजह से उनकी टीम उस्मान पटेल की टीम के सामने मैच जीत गई। ये होता है, टीम का टोटल 43 रन 43, 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस सत्र का। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा पालवे द्वारा, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और ये बन सकता था दूसरा रन, बन सकता था। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश पांगारे जो स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं, लेकिन हमारे पांगारे साहब यहाँ पर बैठे हुए उम्रे के उप सरपंच, और मैंने मैच देखा था उम्रे बनाम देवनावे ना, उम्रे बनाम देवनावे बहुत चर्चित मैच था। उस मैच से पहले हमें कहा था मैच को गर्म करो, इतना ज्यादा हमने गर्म किया कि हारने वाली टीम को बर्दाश्त नहीं हुई हार। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, 6 गेंदों और 9 रनों की जरूरत थी, तब उमरे के चाहने वाले ने एक फटाका लगाया था आसमानी ऊपर उड़ने वाला, लेकिन वो बत्ती जली नहीं। 5 गेंदों में जब 5 रन बने नहीं तब बत्ती जली और फटाका आसमान में उड़ा और उसके बाद फटाका आसमान में उड़ा, देखिए नसीब। मैच काफी एयर टाइट था, लेकिन कुछ अंपायर ने डेड बॉल दिया था उस वजह से कुछ मसला हुआ था। देखिए 2 रन यहां पर थे वो लिए नहीं और उसके बाद डॉट गेंद, गेंदबाज को वापसी का मौका मिला प्रफुल्ल को। ये होता है जो मिलता है उसे लेना चाहिए, इंसान को हमेशा जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, ज्यादा की सोचोगे तो जरूर डूबोगे। ये देखिए क्या हुआ, उस गेंद के ऊपर अगर 2 रन लिए जाते जो मिल रहे थे तो ये 2 गेंदें मिस नहीं होती। पांगारे साहब यही तो क्रिकेट है, जहां हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जिसके बारे में नहीं सोचा होता
वैसा ही इस खेल में होता है। 0-0 और 0 तीनों ही बल्लेबाज जो आउट हुए हैं और एकमात्र इस मैच में सिक्का चल रहा है दिनेश अवास्कर। डी फॉर दाऊद, डी फॉर डॉन, डी फॉर दिनेश, एक ही सिक्का चल रहा है यहां पर। प्रसाद छेड़ के खुश होंगे क्योंकि दिनेश इस ओवर में ज्यादातर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहे हैं। ये देखिए 3 गेंदें दौड़ गई इस ओवर में, 1 रन आया और 2 विकेट। क्या वापसी की, तारीफ काबिल, तारीफ काबिल वापसी की पार्थ इलेवन के खिलाफ कानेश्वर फाइटर ने। फाइट की इस ओवर में प्रफुल, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों से मंगेश में गेंदबाज सैंडी, इनके पिताजी का चाइनीज का दुकान था, तब मैंने काफी बढ़िया लॉलीपॉप खाए थे। ऊ लाला विद्या बालन के फैन, लेकिन इनको आसमान दिखाया बल्लेबाज अमर ने। नंबर आया 6 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 50। 50 रन, 5 गेंदे अभी भी शेष। काबिल तारीफ, ये छक्का लगाया, सीधे आए फ्रंट फुट पे आए, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, ये 6 रन दौड़ चुके हैं। एसपीएल सुधागढ़ प्रीमियर लीग जो होना जरूरी थी, जो गाड़ा रुका हुआ था, उसे मंगेश चौहान, बाराम गायकवाड़, उनके सभी साथियों ने। नंबर आया 4, 1 बाउंस डीप स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच में से ये शॉर्ट ऑफ पुल खेला था। आखिरी ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज अमर की। तीनों बल्लेबाज जो डॉट पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद अमर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। 10 रन अब तक इस ओवर में बटोरे हैं, 54 पर आता हुआ टोटल। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। दिनेश शवास्कर के नॉन स्ट्राइकर एंड पर होने के बावजूद भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज अमर की। तो आरडीसी रायगढ़ जिला मध्यवर्ती बैंक के साहब नागेश साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस समझ पे आए। मैं रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सम्माननीय अधिकारी नागेश जी सर यहां विनती करते कि अपने व्यासपीठ पर आओ। देखिए आरडीसी बैंक जो किसानों को हमेशा मदद करती है, किसानों की बैंक कहा जाता है, पेंशनर और किसानों की बैंक, क्योंकि मेरे पिताजी का भी पेंशन आरडीसी बैंक में ही जमा होता है, तो मुझे उस पेंशन की अहमियत है, क्योंकि दोपहर और रात का खाना मुफ्त में जो मिलता है, तो उनका सम्मान किया जा रहा है। प्रसाद छेड़िए इस आयोजनकर्ताओं की मुख्य कमेटी में से एक, उनके द्वारा नागेश सर का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। नागेश सर ऑलवेज वेलकम टू यू, आप आए बाहर आई, इसी तरह आते रहिए। लेकिन बैंक के कुछ करारे नोट इन खिलाड़ियों के ऊपर लुटाते भी रही है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं हम किस तरह वो करारे नोट होते हैं नए नवेले। टीम का टोटल 54 रन, 2 ही गेंदे हो चुकी है। सैंडी व्हाइट बॉल डाली थी क्या? हाँ 55। देखिए प्रसाद छिड़के कह रहे हैं 54, लेकिन स्कोरर अपने उतने ही मुश्ताद, 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रसाद छिड़के का ही खाया, लेकिन 1 रन बचाया नहीं उनका। सीधे बोले से इस गेम को खेला ऑन साइड के ऊपर, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन कितने चाहिए 50 के लिए जो बची हुई 43 रनों पर खेल रहे हैं। 2,000 रुपए का इनाम है हमारे पागल साहब की तरफ से, अगर ये 50 लगाते हैं तो। हाँ 50 लगाते हैं तो दिनेश 7 रन की दूरी पर है 50 से, गेंदे बची है 3। राइट आर्म राउंड द विकेट, सैंडी की ये गेंद, और ये क्या होगा, कैच, ये कैच छोड़ा, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ, 5 की दूरी, गेंदे बची है।
तो 50 से 5 रन दूरी, लेकिन टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आरडी से बैंक से निकली हुई गुलाब की पत्ती मिलेगी 2000 की पांगारे साहब की तरफ से, अगर ये 50 आते हैं तो। नागेश साहब भी बैठे हैं, उन्हीं के हाथों से ये कैश गिना गया था। चलिए 5 की दूरी है, 5 की दूरी, एक छक्का लगाइए 2 गेंदों में। दिनेश अवास्कर सैंडी, ये देखिए आखिरी गेंद बची हुई है, इरादा करना होगा पक्का, सैंडी को देना होगा ऐसा धक्का, लगाना होगा ऐसा छक्का कि सैंडी हो अक्का पक्का, तब जाके 2000 और 50 बनेंगे। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल 58 रन। हाँ देखिए सुशील देसाई कह रहे हैं कि दांव तो जरूर लगाए हैं, लेकिन यहां पर 50 तो नहीं पूरे होंगे, एक रन तो जरूर मिलेगा, और ये दूसरा रन भी पूरा 58 और 2 बनेंगे 60। जीत के लिए 61 रनों की जरूरत, काफी अच्छे रन बनाए जा चुके हैं यकीनी तौर पर, मैं कहना चाहूंगा पार्थ 11 की तरफ से। लेकिन कानेश्वर फाइटर्स को अगर इस मैच को जीतना है तो सैंडी राजा जैसे बल्लेबाज का चलना जरूरी है। मैं तो कहना चाहूंगा सैंडी और राजा को डायरेक्टली ओपन करने के लिए भेजना चाहिए, आर या पार की लड़ाई खेलना जरूरी है, क्योंकि 15 की औसत से इन रनों को तकरीबन बनाना है। अब देखना ये होगा किस तरह से रणनीति होगी। देखिए स्वराज फाइटर के स्वराज भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। सुबह से होटल में रुके हुए थे, पिता का हाथ बैठा रहे थे और पिता यहाँ पर हमारा हाथ बैठा रहा था। तो चलिए फील्डिंग लगाइए, मैचेस वरना पूरे नहीं होंगे। फील्डिंग करने वाली टीम को फील्डिंग लगाना चाहिए पार्थ 11। 60 रनों का पीछा करना है, राजा का चलना जरूरी है। तो एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, डीजे मास्टर को जब राजा की एंट्री हो तो अप्पू राजा को वो गाना जरूर लगाइए, आया है राजा लोगों ने लोगों, तब तो उनके बीच एक अलग जोश आता है, मैच में मजा जरूर आएगा। चलिए एक मैच कीजिए भाई, चार चार ओवर, उमेश और बाबू ठोंबरे, एक मैच मतलब एक इनिंग 4 ओवर का। चलिए अंपायर नहीं बदल सकते हम, आए भी तो नहीं बदल सकते, इनिंग में अंपायरिंग चेंज नहीं होता, पूरा मैच। जगह में पानी आएगा। चलिए अगले मैच का टॉस होना जरूरी है, अगला मैच किसका है? वीरेश्वर फाइटर्स बनाम आर्यन 11। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आए वीरेश्वर फाइटर्स बनाम आर्यन 11। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। राजा आ चुके हैं और उनका साथ देने के लिए आ चुके हैं दिनेश। देखिए बड़ी मछली है राजा, जो इस मैच को पूरा करने की ताकत रखते हैं। इस मछली को अगर जाल में लेकर आए उबरे साहब की जो टीम है पार्थ 11 के गेंदबाज, तो यकीनन इस मैच में उबरे
टीम के जो फ्रेंचाइजी और उनके पार्थ 11 जो उनकी पूरी वापसी होगी। महेश पांगारे जो पांगारे साहब के आइकॉन खिलाड़ी है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। राजा जिनका बल्ला चले तो पेड़ के पत्ते तक हिलने लगते हैं, इतना तेज बल्ला इनका घूमता है। गेंदबाजों के लिए ये कैसा मैं कहूंगा शैतान है जो सरेआम कत्लेआम करता है किसी भी गेंदबाज का, इतनी ताकत है इस खिलाड़ी में। सुधाकर तहसील में जितने भी मैंने बल्लेबाज देखे उनमें से सबसे ज्यादा बैट स्विंग अगर किसी का हो तो वो राजा का है। और ये गेंद हवा में थी, पहली गेंद, और ये 4 रन जरूर मिले लेकिन बाल बाल बचे राजा, बाल बाल बची टीम कानेश्वर फाइटर। प्रसाद शेड़गे की थोड़ा टायर उनकी गाड़ी का पंक्चर हो चुका होगा जब कैच उड़ी थी। लिफ्टाम ओवर द विकेट, और ये देखिए मैंने पहले ही कहा था पेड़ के पत्ते हिलते हैं जब इनका बैट स्विंग होता है तो नंबर आए अच्छे, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। चलिए डीजे गाना लगाइए। देखिए सैंडी कह रहे भाई खड़े रहो और मारो, मैं तो कहना चाहूंगा विकेट पर खड़े रहना पड़ता है, बैठ गए तो रन ही नहीं बनेंगे। हाँ रिवर्स स्वीप का बादशाह शिवा दलवी जो कईयों को लेकर डूबा है उस शॉट की वजह से। और ये देखिए राजा, मैंने पहले कहा था जो बजाएगा गेंदबाजों का बैंड बाजा, नंबर आया 6। सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदे पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, दूसरी गेंद के ऊपर लॉन्ग आउट बाउंड्री के बाहर 6, तीसरी गेंद के ऊपर फाइनल बाउंड्री के बाहर 6। और इसीलिए इनके लिए कहा जाता है जब ये खेलते हैं तो पेड़ के पत्ते तक हिलने लगते हैं, इतना अच्छा बैट स्विंग है इनके पास, बहुत ज्यादा तेज इनकी पोजीशन रहती है। दिनेश ने भी वैसी शुरुआत की थी 3 गेंदों में 16, राजा ने भी वैसी शुरुआत 3 गेंदों में 16। यानी कि नागेश साहब आरडीसी बैंक के यहां पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे कि अब अकाउंट बैलेंस हो चुका है, बैलेंस है अकाउंट दोनों टीमों का 16-16। और लेकिन ये राजा ने अगर ये छक्का लगाए तो 22 बनेंगे। ये देखिए राजा जो हमेशा गेंदबाजों को बचाता है, बैंड बाजा मैंने कहा था, बल्लेबाजी के ये ऐसे खुकार है जो गेंदबाज हिरन का शिकार हमेशा करते। और ये खेल है उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन, 28 28 रन, बजाइए गाना। देखिए दिनेश भी आवाज का टेंशन में आ चुके हैं, साथ साथ हमारे पांगारे साहब भी टेंशन में आ चुके हैं राजा की बल्लेबाजी को देखते हुए। और ये खिलाड़ी ऐसा है, मैंने इनकी पहली बार बल्लेबाजी देखी थी जब दूसरे साल एसपीएल था
और मैं वहां पे आया था तब मैंने इनका देखा था। लोगों ने मुझसे कहा था कि ये काफी होनहार खिलाड़ी है, ये अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकालने में कामयाब हुए गेंदबाज महेश। और इसी तरह अगर लाइन रहती, गेंद अगर राजा से दूर रखते तो परेशानी राजा को भी होती। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 32 की जरूरत है आने वाली 3 ओवर में। 60 का पीछा करना है प्रसाद, 61 का पीछा करना है, 33 की अभी भी दूरी तय करनी है। लेकिन राजा अगर क्रीज पर रहे तो ये 33 रन एक ओवर में भी बन सकते हैं। इनकी वो काबिलियत है, इनमें वो क्षमता है, फॉर्म ना भरने की वजह से ये खेल नहीं पाए। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विघ्नेश, विघ्नेश्वर फाइटर्स बनाम आर्यन 11। ये दूसरा कॉल है आपके लिए, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। और राजा अगर 50 बनाते हैं तो प्रसाद शेड़गे इनकी तरफ से क्या ओनर है इस टीम के, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। प्रसाद शेड़गे से क्या 1,000 का इनाम? राजा अगर 50 बनाते हैं तो 28 की निजी पारी, 22 से दूर और टारगेट से 33 रनों की दूरी, 18 गेंदे 33 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर इस वक्त दिनेश, दिनेश साळुंखे। दिनेश गेंदबाज, सूरज की ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर, 30-32 की दूरी अब तय करनी आने वाली 18 गेंदों में। 18 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। विघ्नेश्वर फाइटर्स और आर्यन 11 के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार मैं ये कॉल कर रहा हूँ। स्वराज देखिए अपनी 225 को चलाते हुए, लेकिन उनकी टीम नहीं चली पिछले मुकाबले में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। 28 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं राजा, क्या वो 50 बनाएंगे व्यक्तिगत और इस श्रृंखला का दूसरा? और देखिए संजोग देखिए, राजेश भी साळुंखे नॉन ट्रैकर एंड के, दिनेश भी साळुंखे और हमारे स्कोरर रोहन भी साळुंखे। तो साळुंखे की चल रही है इस मैच में। स्वराज देखिए आप हमारे पास आइए, धूप है ये। यो फुल टॉस गेंद थी, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन 1 ही रन 29 के निजी योगदान पर राजा, लेकिन यहां से भी वापसी कर सकती है पांगारे सांप की पार्थ 11। 2-3 दौड़ गेंदे 1-2 विकेट मैच में वापसी। टेनिस क्रिकेट एक शॉर्ट टर्म वाला क्रिकेट रहता है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। 2007 में आनंद फानंद में इंडिया ने टीम भेजी थी, किसी को भी ये सपने में भी नहीं लगा था कि ये T20 का विश्व कप जीतेगी, लेकिन उन्होंने जीता। सेमीफाइनल मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत थी, तब आरपी सिंह और हरभजन सिंह ने 2 ओवर में मैच 8 रन दिए थे, और जोगिंदर शर्मा जैसे नए गेंदबाज के पास 22 रन रह चुके थे। माइक हसी स्ट्राइकर एंड पर होने के बावजूद भी वो रन नहीं बने थे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म क्रिकेट में, एक अच्छा ओवर आपकी टीम की वापसी। क्या फील्डिंग हुई ऋतिक की, तारीफ काबिल, 1 ही रन। और राजा के विकेट के लिए जो बहुमूल्य बन चुका है उप सरपंच उम्र विद्यमान समीर जी पागार, इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम, 1,000 रुपए का इनाम राजा के इस गोल्डन फिश के लिए। 1 ही रन मिलेगा, राजा भी जानते हैं उनके विकेट की अहमियत को। वीरेश्वर और आर्यन, बार बार मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आ रहे हैं कप्तान वीरेश्वर फाइटर्स और आर्यन 11।
और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आया, नंबर आया, अच्छे बहुत ही बढ़िया छक्का लगा बल्लेबाज दिनेश ने, और इस छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई। तो मैं समीर पाकारे साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनकी शुरुआत टॉस किया जाए। 6 रन जुड़ी है जो पिछला रन था उस 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 24 की अभी भी दूरी तय करनी है। तो वीरेश्वर फाइटर्स ने टॉस जीता है और ये देखिए लगातार दूसरा छक्का, क्या बल्लेबाजी हो रही है, राजा तो राजा लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है दिनेश जी। देखिए इंग्लिश डांस कर रहे हैं प्रसाद छिड़िए। और ये देखिए प्रसाद छिड़िए भी खुश है, डीजे मास्टर ने बिल्कुल सही सिचुएशन पर सही गाना लगाया है। कचाकच जब छक्के आते हैं, कचाकच जब शॉट लगते हैं तो इंसान को मजा आता है, उसी तरह प्रसाद छिड़के को भी मजा आ रहा है क्योंकि लंबे लंबे छे आ रहे हैं, शॉट कैसे लग रहे हैं, कचा कच टीम का टोटल 45-18 रनों की दूरी, 63 का पीछा करते हुए, तो 61 का पीछा करते हुए 45 रन आ चुके हैं, 16 की दूरी है, माफी चाहूंगा मुझे लगा कि 63 रनों का पीछा करना है, 16 रनों की अभी भी दूरी है और गेंदे बची है 12। राजा के पास तो 50 रन बनाने वाले रन नहीं रहे लेकिन मैच जितवाने वाली क्षमता जरूर है। हाँ 20 बन सकते हैं, 3 छक्के लगाए और नहीं बन सकते, 2 बाउंड्रीज, 1 छक्का और उसके बाद 1 छक्का, तब बन सकते हैं, लेकिन 16 की दूरी है। ये देखिए ये खराब क्रिकेट है राजा का, ये मैं कहूंगा मतलब ही क्रिकेट, ये व्हाइट बॉल मिल सकती थी टीम को, ये भले ही 2 रन मिले लेकिन एक एक्स्ट्रा गेंद खेलने का मौका मिल सकता था, ये 50 तक पहुंचने की कोशिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टीम स्पिरिट, ये व्हाइट बॉल जरूर थी अगर नहीं खेलते तो, ये 2 रन जरूर मिले, 14 की दूरी तय करनी है आने वाली 11 गेंदों में। गेंदबाज ऋतिक, ये स्लोअर वन की थी, पिक जरूर किया राजा ने लेकिन उतनी जोर से नहीं जितना वो जोर से मारना चाहते थे, 1 रन जरूर मिला लेकिन तारीफ करनी होगी राजा के साथ साथ उनके साथ ही दिनेश की भी, और 2 सालोंगे और 3रा सालोंगे लिखते हुए काफी खुश हो रहा है लेकिन पांगारे साहब उतने ही नाखुश, विकेट नहीं मिल रहा है उनको। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा ऋतिक द्वारा। तो पर्ली में 3-4 टीम काफी अच्छा खेलती है, उसमें से झंकार पर्ली, बीसीसी पर्ली, शिवशक्ति पर्ली और शिवशक्ति एक और पर्ली, 4 टीम काफी अच्छा खेलती है और उनमें से कई ऐसे खिलाड़ी है जो व्यावसायिक स्तर पर क्रिकेट खेल सकते हैं। और यह क्लीन बॉल बहुत ही बढ़िया ऋतिक की गेंदबाजी, मैच में वापसी वाली, पार्थ 11 के वापसी के द्वार खोलने वाली यह गेंदबाजी। डीजे मास्टर बजाइए, पुलिस चले गए, बजाइए जितना जोर हो सके आप में। तो कल और परसों शायद, शुक्रिया डीजे, 2 भाइयों की जोड़ी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, अल्पेश और कल्पेश दलवी की, शायद कल से उनका लौट शुरू होगा, शिवा दलवी के तालीम में तैयार हुए दोनों यंगस्टर, एक को
आईपीएल खेलने का तजुर्बा है अल्पेश दलवी को, राइट हैंडेड बैट्समैन जिन्होंने कई मरतबा छह छक्के लगाए हैं छह गेंदों के ऊपर। ये अच्छी गेंदबाजी है, ये स्टंप से होकर गिजरी थी, ये गेंद किसी भी एंगल में वाइड बॉल नहीं है। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अंपायर से आर्गुमेंट मत कीजिए, हमने भी यहां से देखा ये किसी भी एंगल में वाइड बॉल नहीं थी। ये देखिए क्या स्लोअर वन की वेरिएशन के तौर पर लेग स्पिन, ऋतिक को देखिए, शिवा का बल्ला जब उन्होंने चलाया तो रन नहीं बने, लेकिन एसपीएल की गेंद उन्होंने हाथ में ली, उनकी गेंदबाजी चली, ये होता है एसपीएल का कमाल। टीम का टोटल 48, 13 रनों की जरूरत, 61 का पीछा करते हुए पानी भेज दीजिए प्लीज। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत, क्या राजा के होते हुए भी ये मैच गवा बैठेगी? पार्थ 11 के खिलाफ कानेश्वर फाइटर, 13 रनों की जरूरत है। राजा जो 2 छक्के लगा सकते हैं जिनमें वो क्षमता है, दिनेश अवस्कर भी ये जानते हैं कि राजा के पास उनके ही तरह क्षमता है। एक ऐसे गेंदबाज को लाना होगा जो राजा को परेशान कर सके पार्थ 11 की तरफ से, क्योंकि राजा अगर पूरी 6 गेंदे खेलते हैं तो ये 13 रन जरूर बनेंगे कानेश्वर फाइटर के लिए। अगला मैच जो होने वाला है वो वीरेश्वर फाइटर्स बनाम आर्यन 11। देखिए 3:15 बज चुके हैं और 6 मुकाबले अभी भी बाकी है, शाम के 7 बजेंगे और सुशील देसाई के शाम के 6 बजे के बाद अगर सुशील देसाई के साथ हमारी मीटिंग हुई तो घर जाने में 10। और ये मैच अगर इस गेंदबाज ने निकाला, 13 रन बचाए हैं, तो पांगारे साहब की तरफ से 1000 बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, 1500 रुपए का इनाम, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता, ड्रेस भी नहीं आती, 1500 रुपए का इनाम। ये अगर मैच निकालते हैं गेंदबाज तो। वही दूसरी तरफ प्रसाद शेड़गे से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, राजा अगर इस मैच को निकालते हैं तो क्या? सिद्धू अवस्कर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सिद्धू अवस्कर, 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत और ये अच्छी गेंद थी, 5 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत। क्या 1500 रुपए ने क्या एनर्जी डाल दी है गेंदबाज में, पागारे साहब के 1500 ने, और वही एनर्जी डाउन हुई राजा की, प्रसाद छिड़के इनाम ही नहीं लगा रहे। पांच गेंदे अब 13 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत। ड्रीम्स क्रिकेट पर जो मैच लाइव देख रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा। 5 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत है। आकाश फाटे है तो बड़े बेहतरीन कमेंटेटर, लेकिन वो कह रहे होंगे दुगाड़े का नसीब अच्छे है, उनको हमेशा कांटे का ही मुकाबला मिलता है, मुकाबला बनाने में आना चाहिए कांटे का। 5 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत, राइट आर्म स्लोअर वन की दी और ये राजा ने पिक किया, नंबर आया 6 डीजे। मैंने किसी भी एसपीएल में इस खिलाड़ी को फेल होते हुए नहीं देखा, पिछले 8-10 सालों से मैं सुधागढ़ प्रीमियर लीग कर रहा हूं, इस खिलाड़ी को राजा को मैंने फेल होते हुए नहीं देखा, उनके साथियों की वजह से उनकी टीम को हारते हुए मैंने जरूर देखा है, लेकिन इनकी वजह से अगर कोई टीम हारी हो ये मैंने नहीं देखा, ये इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो प्रसाद शेड़गे इनकी तरफ से 500 का इनाम आएगा, राजा अगर इस मैच को निकालते हैं तो। 5 गेंद 4 गेंदे अब 7 रनों की जरूरत, गेंदबाज के पास भी मौका है, एक तो डॉट निकालो
और मैच में वापसी पाओ। 4 गेंदे 7 रन कंपलसरी चेसिंग। इस प्रतियोगिता का नियम 1500 का इनाम है पांगारे साहब की तरफ से इस गेंदबाज को, वही 500 का इनाम है इस बल्लेबाज को। आर्यन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मैच के तुरंत बाद आपने जो फैसला लिया है फील्डिंग करने का उसके ऊपर अमल कीजिए। 1 रन जरूर मिला लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि राजन ऑफ साइड पर नहीं एंड पर होंगे। जो दबाव बन चुका था गेंदबाज के ऊपर वो हट चुका है। 3 गेंदे अब 6 रनों की जरूरत है, स्ट्राइकर एंड पर होंगे। यश काफी बढ़िया प्लेयर है ये, इस टीम के कप्तान यश मोरे आइकॉन खिलाड़ी है ये। 3 गेंदे 6 रनों की जरूरत, लेकिन राजा की एक दहशत थी जब स्ट्राइकर एंड पर थे, तब वो दहशत गेंदबाज के लिए हट चुकी है। 3 गेंदे 6 रनों की जरूरत, मराठी मध्ये सांगायचं झालं तर फक्त एका फटक्याची बात आहे। तीन गेंदे 6 रनों की जरूरत, गेंदबाज विनायक तैयार और ये गेंद हवा में बैक टू द बॉलर, कैच होने की संभावना और ये कैच छोड़ा, ये क्या हुआ? 1 ही रन मिला, 3 गेंदे 6 की जरूरत थी, अब 2 गेंदे 5 रन। यानी ये देखिए आइकॉन खिलाड़ी ने दूसरा रन बन सकता था लेकिन जिम्मेदारी राजा के ऊपर दी, भाई इन 2 गेंदों में तुम कुछ करो। मैच हारा तो मैं विलन नहीं, मैच जीता तो राजा ही हो, जिम्मेदारी नहीं ली। जो नॉन स्ट्राइकर इन पर गए वहां पर 2 रन मिल सकते थे, जिम्मेदारी राजा के ऊपर सौंपी, खुद के ऊपर भरोसा नहीं जताया। मंगेश भाई की तरह जिम्मेदारी उठाओ भाई, एसपीएल की देखो कितनी यातनाएं कठिन होती है। 2 गेंदे और ये क्या हुआ? राजा के पारीगंत, एक गेंद 5 रन कंपलसरी चेसिंग, छक्का लगाना होगा। 500 का इनाम पांगारे साहब, 2000 का इनाम पांगारे साहब की तरफ से। इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर सैंडी छक्का लगाता है तो 2000 का इनाम। हाँ विनायक पाटिल, माफी चाहूंगा विनायक पाटिल अगर इस मैच को निकालते हैं तो मुझे लगा बल्लेबाज बल्लेबाज प्रसाद छिड़गे का है। नहीं नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हुआ था क्योंकि 1 गेंद 5 चाहिए थे, मुझे लगा 6 के लिए। लेकिन अगर ये मैच जितवाते 1500 की जगह अब 2000 हो चुके हैं विनायक के लिए। सैंडी के लिए प्रसाद छिड़गे कुछ नहीं लगा रहे हैं, निर्णायक मोड है, गेंद गिरने से पहले इनाम आना चाहिए। क्या मैच बनाया, 2 रन बनते थे वहां पर, बनाने चाहिए थे। 1 गेंद 5 कारपेट के सहारे गेंद गई, पार्थ 11 की जीत, कंपलसरी चेसिंग। और ये डॉट गेंद और इसी के साथ 2000 के हकदार बने गेंदबाज विनायक और मैन ऑफ द मैच दिनेश अवास्कर।